नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह बात संख्या की नहीं थी, यह मणिपुर में इंसाफ की बात है। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, बेटी छात्र इंसाफ मांगते है। पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लग गए? कई जगह सीएम बदले, फिर मणिपुर में क्यों नहीं? बता दे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जवाब 10 तारीख को पीएम मोदी देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 3 दिन तक होगी। हमें लाना पड़ा क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। मैं ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ू महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृहमंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्रिमंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते।
सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये तीन सवाल हैं सर, और शायद इन तीन सवालों का तीन उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन है, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी तीन है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था,